हेलो स्टूडेंट्स, टेंथ क्लास मैथ्स एक्सरसाइज 1.2 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमें ये नंबर्स गिवन है, हमें क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है और जो फैक्टर्स आने चाहिए इनके, वो फैक्टर्स आपको ध्यान रखना है, मेनली वो प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट फर्स्ट हमें क्या करना है, 140 हमारे पास नंबर गिवन है, हमें लेना है इसका एलसीएम। तो एलसीएम सभी को लेना आता है, कैसे लेंगे, प्राइम नंबर्स होने चाहिए जिससे हमें डिवाइड करना है। तो 27 जा 40 हो जाएगा, 0 एडी तो 2, 3 जा 6, फिर आ जाएगा यहाँ 5 जा 10 हो जाएगा, फिर 5 7 जा 35 हो जाएगा, 7 1 जा हो जाएगा 7। तो 140 के जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2, 2, 5 और 7, और ये सभी के सभी कैसे हैं, प्राइम नंबर्स हैं। तो ये हमारे क्या आ जाएंगे, प्राइम फैक्टर्स। सेकंड पार्ट देखिए 156 है, 156 तो 156 का भी हम क्या लेंगे, एलसीएम। सबसे पहले 2 से करेंगे, 27 जा 14, 1 रह जाएगा यहाँ, 28 जा 16, फिर 2 से करेंगे, 23 जा क्या आ जाएगा 6, 29 जा हो जाएगा 18। अब 2 से नहीं जा रहा, ये जाएगा फिर 3 से, 3 वन जा 3, 3 3 जा 9, फिर लेंगे 13 से, 13 वन जा 13। तो फैक्टर्स आए हैं 2, 2, 3, 13, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही आ रहा है सेम 156। तो ये हमारे कैसे फैक्टर्स आ गए, प्राइम फैक्टर्स किसके, 156 के। थर्ड पार्ट 3825। अब हमें इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले ही जाएगा 3 से, 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, 2 रह जाएगा, 3 7 जा 21, 1 रह जाएगा, 3 5 जा 15। ठीक है, ये फिर से जाएगा 3 से, 3 4 जा आ जाएगा 12, 3 2 जा 6, 1 रह जाएगा, 3 5 जा आ जाएगा 15। ठीक है, फिर करेंगे इसे 5 से, 5 8 जा 40 आ जाएगा, 2 रहेगा, 5 5 जा 25। फिर से 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। फिर किसे करेंगे, 17 से, 17 वन जा हमारा क्या आ जाएगा, 17। तो इसके फैक्टर्स आ गए 3, 3, 5, 5 और 17, 3, 8, 2, 5। तो ये कैसे फैक्टर्स आ गए, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3825। नेक्स्ट है हमारे पास 5005 और 7429। ये आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है इनकी। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हमें क्या वेरीफाई करना है, हमें टू नंबर्स गिवन है, हमें प्रूव करना है कि अगर हम उनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करके उनकी प्रोडक्ट करें तो उनकी जो प्रोडक्ट है वो इक्वल आ रही है, जो दोनों नंबर हमें गिवन है, लेट ए एंड बी वो नंबर है उनकी प्रोडक्ट के इक्वल की, यानी कि एलसीएम फाइंड आउट करेंगे और एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे, फिर उनका क्या करेंगे, प्रोडक्ट, और जो दोनों नंबर है डायरेक्ट उनकी प्रोडक्ट करेंगे, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आना चाहिए सेम। तो हो जाएगा ये हमारा वेरीफाइड, तो हमें ये वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, 26 और 91 है हमारे पास। तो सबसे पहले फर्स्ट हमारा ए नंबर है जो वो है 26, और जो हमारा बी नंबर है वो क्या है, 91। तो 26 के फैक्टर्स हम कर लेते हैं, तो 26 के फैक्टर आप डायरेक्टली भी राइट कर सकते हो, करके भी देख सकते हो। ठीक है, तो 2 वन जा 2, 2 3 जा 6, तो 13 वन जा 13। तो 2 इंटू 13 इज इक्वल टू ये हमारा है 26, और यहाँ कर रहे हैं हम किसका, 91 का। 91 का करेंगे तो ये 7 से जाएगा, 7 वन जा 7, 7 3 जा हो जाएगा 21, फिर से आ जाएगा 13 वन जा 13। तो 91 के फैक्टर आ गए 7 इंटू 13, ये आए हमारे 91 के। तो HCF के लिए हमें क्या करना होता है, दोनों में सेम क्या आ रहा है देख सकते हैं आप, 13 दोनों में कॉमन आ रहा है। तो HCF तो आ गया यहाँ से हमारा 13, HCF 13 आ गया हमारा,
अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, LCM, क्योंकि LCM और HCF की क्या होनी चाहिए, प्रोडक्ट। तो हमने HCF फाइंड आउट कर लिया, अब हम करेंगे LCM। तो LCM क्या होता है, एक तो HCF मल्टीप्लाई जो रिमेनिंग नंबर्स होते हैं हमारे, वही होते हैं ना। तो HCF आया हमारा 13 और रिमेनिंग नंबर्स हमारे 2 और 7 रह गए। 13 तो हमने ले लिया HCF, 2 और 7, तो 2 मल्टीप्लाई 7, तो 13 मल्टीप्लाई 2 7 जा 14, 14 और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 182। तो LCM आ गया हमारा 182। तो LCM इज इक्वल टू 182। तो हमारा फॉर्मूला क्या था जिसमें हमें वेरीफाई करना है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। ए मल्टीप्लाई बी यानी कि हमारे दोनों नंबर्स यानी कि 26 और 91। तो LCM हमने फाइंड आउट किया आया 182, HCF हमने फाइंड आउट किया आया हमारा 13, और ए और बी नंबर हमारे क्या थे, 26 और 91। यही नंबर थे हमारे। जब हमने इनकी प्रोडक्ट करके हमने देखा तो ये आया है 2366, और जब इन दोनों की प्रोडक्ट करोगे वो भी सेम रहेगा। तो यहाँ से जो हमारा ये क्या हो गया है, वेरीफाइड, ठीक है, वेरीफाइड हो जाएगा ये। तो सेम आपको सेकंड पार्ट करना है और थर्ड पार्ट करना है। दोनों का क्या लोगे, LCM लोगे, HCF लोगे। तो LCM जो आया और जो HCF आया उनकी क्या कर दोगे, इसी टाइप से मल्टीप्लाई कर दोगे। और जो दोनों नंबर हैं, जैसे कि अब यहाँ नंबर हैं 510 और 92, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी 92 की और 510 की। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा सेम आना चाहिए, जो आपने LCM और HCF फाइंड आउट किए हैं उनकी प्रोडक्ट, दोनों सेम आएंगे तो हमारा जो ये क्या हो जाएगा, सम वेरीफाइड हो जाएगा। सेम आपको थर्ड पार्ट में करना है, इसी टाइप से नंबर है 336 और 54। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, फाइंड द LCM एंड HCF। इसमें भी हमें क्या करना है, यहाँ हमें 2 नंबर्स गिवन थे, यहाँ हमें 3 नंबर्स गिवन है। LCM भी फाइंड आउट करना है, HCF भी फाइंड आउट करना है, और फॉलोइंग इन टीचर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और हमें क्या करना है, इसके जो फैक्टर्स होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, प्राइम नंबर्स होने चाहिए जो इनके फैक्टर होंगे। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 12, 15 and 21। थर्ड क्वेश्चन पार्ट नंबर फर्स्ट 12, 15 और 21। हमें क्या क्या करना है, LCM और HCF फाइंड आउट करना है। HCF के लिए हमें क्या करना है, इनको सेपरेटली अलग अलग से करेंगे, यहाँ 12, यहाँ 15 और यहाँ करेंगे 21। 12 का करेंगे तो प्राइम नंबर्स होने चाहिए, 2 6 हमारा 12 आ जाएगा, 2 3 6 आ जाएगा, 3 1 3 आ जाएगा, 3 5 15, 5 1 5, और यहाँ से 3 7 21, 7 1 आ जाएगा 7। तो 12 के जो फैक्टर्स आएंगे वो आएंगे 2 into 2 into 3, 15 के जो फैक्टर्स आएंगे वो आएंगे 3 into 5, और हमारे 21 के जो फैक्टर आएंगे वो आएंगे 3 into 7। तो आप देख सकते हो HCF के लिए तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है 3। तो यहाँ देख सकते हैं आप 3 कॉमन आ रहा है, तो HCF आएगा हमारा 3। और LCM क्या होता है, एक तो HCF उसकी मल्टीप्लाई जो रिमेनिंग नंबर है, रिमेनिंग नंबर यानी कि क्या क्या रह गया, 2 2 5 7, और साथ में HCF आया हमारा 3 मल्टीप्लाई रिमेनिंग 2 2 5 7, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 2 6 6 2 हो जाएगा 12 12 5 क्या हो जाएगा 60 67 हो जाएगा 42 0, यानी कि 420। तो ये LCM आ गया हमारा 420 और HCF आया हमारा 3। क्या फाइंड आउट करना था हमें, हाँ इसमें हमें वेरीफाई नहीं करना, वेरीफाई हमें सिर्फ सेकंड सम में करना था, ओनली हमें HCF और LCM इसके फाइंड आउट करने थे प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो हमने इनके HCF और LCM फाइंड आउट कर लिए, तो ये दोनों जो पार्ट हैं रिमेनिंग ये आपको खुद ही करने हैं। 17, 13 और 29, तीनों के तीनों कैसे नंबर हैं, प्राइम नंबर हैं। 8, 9 और 25, इनको भी आपने इसी टाइप से सोल्व करना है, इनका HCF और LCM फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट है हमारे पास, गिवन दैट HCF टू नंबर्स हैं जैसे 306 और 657, इनका हमें HCF गिवन है, तो HCF गिवन है 9, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, LCM। हमें दोनों नंबर भी गिवन है, यानी कि A भी गिवन है, B भी गिवन है और HCF भी गिवन है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, LCM। तो हमारे पास फॉर्मूला है क्वेश्चन नंबर 4, फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि LCM इंटू HCF दोनों नंबर की प्रोडक्ट के क्या होता है, इक्वल होता है। तो हमारे पास LCM हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन HCF हमें गिवन है 9, तो HCF हमें गिवन है 9, ये गिवन है, और दोनों नंबर भी गिवन है 306 और 657। तो A हमें गिवन है 306 और B हमें गिवन है 657, यही नंबर है हमारा 657, हमें फाइंड आउट करना है LCM। तो LCM फाइंड आउट करना है, तो ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड में, तो LCM इज इक्वल टू ये सेम रहेगा 306 657।
7 डिवाइड बाई 9 आ जाएगा इसके, डिवाइड में कट कर देते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 0, 3 2 ज़ा आ जाएगा 6, फिर 3 से करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 1 रह जाएगा, 3 4 ज़ा 12। तो अब हम क्या करेंगे, 657 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 34 से। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 34 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 6 7 ज़ा 48, तो ये आएगा हमारा 8, यहाँ से ये 3 3 2 2, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 22,338। ये हमारा क्या आ जाएगा, LCM। क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 एन कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हमें चेक करना है कि 6 की पावर n वो एंड होता है 0 से, यानी कि अगर हम 6 की पावर, वैसे हम लेके देखते हैं, 6 की पावर अगर हम 1 करें तो 6 आ रहा है, 6 की पावर हम 2 करें तो क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा, 6 2 12 नहीं करना, 6 की पावर 3 करें तो 6 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 216 आ जाएगा। तो ये देखिए लास्ट में आप करते जाओगे तो हमने देखना है कि वो 0 से एंड होता है या नहीं होता। तो हमें पता है कि 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, तो नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो नेचुरल नंबर ही है ये हमारे, और लास्ट में कह रहे हैं कि 0 से एंड होता है या नहीं होता, हमें ये बताना है। तो हमें पता है कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 है तो वो नंबर 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा, होगा ये कंडीशन आपको पता है कि किसी भी नंबर के अगर लास्ट में क्या है, 0 है, तो वो नंबर 5 से क्या होगा, डिविजिबल, 5 से डिवाइड होगा वो नंबर। तो 5 से डिवाइड होगा तो हम क्या करेंगे, हमारे पास है 6 पावर n, तो 6 को हम कैसे राइट कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करें इसका, 2 3 ज़ा 6, तो 5 तो इनमें इंक्लूड ही नहीं है, यहाँ प्राइम अगर इसके फैक्टर्स देख रहे हैं हम, तो एक तो आ रहा है 2 और एक आ रहा है 3, तो यहाँ कहीं भी 5 नहीं है। तो 5 अगर इसका फैक्टर ही नहीं है तो 5 से ये डिवाइड भी नहीं हो सकता, 5 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो यानी कि इसके लास्ट में क्या है, 0 नहीं है, ठीक है। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि जो 6 की पावर n है डज नॉट कंटेन प्राइम नंबर 5, क्योंकि इसमें 5 जो प्राइम नंबर है वो नहीं है। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि जो नेचुरल नंबर है 6 पावर n इज नॉट डिविजिबल बाय 5, कि ये जो है 5 से डिविजिबल नहीं है। एंड जो इन्होंने स्टेटमेंट में कहा है विद द डिजिट 0 की ये एंड होगा 0 से, तो हम क्या कहेंगे, इट इज़ प्रूव दैट 6 पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0, कि जो ये 6 पावर n है, अगर आप 6 की कोई भी पावर लेते हो तो जो वो पावर करने के बाद जो रिजल्ट आएगा आपका, वो 0 से एंड नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 एक बार हम स्किप करेंगे, नेक्स्ट कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। देयर इज़ ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है, तो एक सर्कुलर पाथ है यहाँ पे, जो सोनिया है इस पॉइंट पर वो क्या कर रही है, 18 मिनट्स ले रही है इसका एक राउंड लेने में, सोनिया ले रही है 18 मिनट्स, ठीक है। और उसके बाद रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, तो जो रवि है, रवि भी इसी पॉइंट पर है और वो कितने मिनट्स ले रहा है, वो ले रहा है 12 मिनट्स। सोनिया ले रही है 18 मिनट्स और रवि ले रहा है 12 मिनट्स। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, वो सेम पॉइंट पे ही क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं और सेम टाइम पे ही स्टार्ट कर रहे हैं एंड गो इन द सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। जैसे कि रेस होती है, क्या होता है, सेम पॉइंट से सेम टाइम पे क्या होता है, उनको सेम डिस्टेंस कवर करना होता है, तो इसी टाइप से वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमें बताना क्या है, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कि कितने टाइम बाद वो सेम पॉइंट पे मिलेंगे। 18 मिनट ले रही है सोनिया और 12 मिनट्स कौन ले रहा है, रवि ले रहा है। तो हमें बताना है कि कितने टाइम बाद, किस पॉइंट पे, कितने मिनट बाद वो दोबारा मिलेंगे। तो इसमें हमें क्या करेंगे, 18 और 12 सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम टाइम पे जा रहे हैं, तो क्या मेथड है, जो अगेन वो मीटिंग करेंगे, एलसीएम लेंगे हम 18 का और 12 का, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ, यहाँ राइट कर रही हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 7, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। तो 12 और 18 का जब हम एलसीएम लेंगे
तो आप एलसीएम लेके देख सकते हो 12 और 18 का, 2 6 12, 2 9 18, 3 2 6, 3 3 9, 2 1 2, ये 3 आ जाएगा, 3 3 1 3, तो 2 3 2 3, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 2 4, 4 3 12, 12 3 क्या आ जाएगा, 36। तो आफ्टर 36 मिनट्स, 36 मिनट के बाद, आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट अगेन, वो दोबारा मिलेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.2 आपकी कंप्लीट हो चुकी है।